हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको एकदम इजी तरीका से मल्टीप्लाई आपको हम सिखाएंगे। बच्चों, आज हम आपको 10 से 1000 से 100 से किस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है वो हम आपको बताएंगे। बच्चों, आपको लग रहा है कि हम 100 से 1000 से किस प्रकार से इतना बड़ा बड़ा हम मल्टीप्लाई बना लेंगे, लेकिन इसका बहुत ही इजी तरीका बताएंगे जो आप बहुत ही जल्द फटाफट आप बना लेंगे। सिर्फ इसमें आपको 9 तक टेबल को याद कर लेना है, ज़्यादा नहीं, केवल 9 तक अगर आपका टेबल लर्न है तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर में देखिए कितना है, 5124। इसको 10 से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों, आपको लग रहा है कितना बड़ा नंबर है, इसको हम 10 से कैसे आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन हम कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर कितना ज़ीरो है, 10। तो हम पहले इसमें 10 लिख लेंगे, उसके बाद हम यहाँ बचेगा 1। इस 1 को पहले हम क्या करेंगे, इस 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे। तो 1 4 4, यहाँ लिख दिए 4। फिर इस 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 2। फिर इसी 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 1 1। उसके बाद फिर इसी 1 को हम 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 1 5। 1 10 100 1000 10000, यहाँ एक कॉमा लगा देंगे तो यहाँ आंसर आ गया 51240। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमको 356 से मल्टीप्लाई करना है 100 को। यहाँ पर क्या है, 20 है, तो यहाँ हम पहले 20 लिख लेंगे, 20 हो गया। अब हम 1 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, ठीक है, 1 6 6। फिर 1 का टेबल 5 तक करेंगे, 1 5 5। फिर 1 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे, 1 3 3। यहाँ कॉमा लगा दिए तो कितना हो गया, 35600। अब नेक्स्ट देखिए, 1000 से 54 को मल्टीप्लाई करना है। तो अभी क्या करना है, 1 2 3, कितना 0 है, 3, तो हम इसमें 30 लिख लेते हैं, 30 हम इसमें लिख लेंगे। 1 का टेबल 4 तक पढ़ना है, 1 का टेबल 4 तक पढ़ना है, 1 4 4। फिर 1 का टेबल कितना तक पढ़ना है, 5 तक पढ़ना है, 1 5 5। और यहाँ कॉमा लगा देते हैं तो 54000। नेक्स्ट देखिए, 600 से 90 को हमको मल्टीप्लाई करना है, 600 से 90 को। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर 1 2 3, इसका भी 0 को गिनना है, पहला नंबर का, और सेकेंड नंबर में जो है उसका 0 को भी गिनना है। तो कुल मिला के टोटल आपका कितना हुआ, 30। तो आप लिखेंगे यहाँ 30 लिख लिए। अब 9 का टेबल आपको पढ़ना है 6 तक, 6 9 जा 54, तो आप यहाँ लिख देंगे 54, यहाँ कॉमा डाल दीजिए तो हो गया 54000। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी 900 से 80 को आपको मल्टीप्लाई करना है। सुनने से बच्चों कितना लग रहा कि इतना बड़ा संख्या को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपको सिखा दिए, आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर भी आप टोटल 0 को गिनेंगे, कितना है, 1 2 3, कितना 0 है, 30 है, तो आप इसमें 30 लिख दीजिए, 30 लिख दीजिए। और 8 का टेबल को आपको 9 तक पढ़ना है, तो 8 9 जा 72, आप यहाँ लिख दीजिए 72,
और यहाँ कॉमा डाल दीजिए, यानी 72,000। फिर नेक्स्ट हम करते हैं इसको, यहाँ पर है 4,000, 4,000 को मल्टीप्लाई करना है 17 से। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, पहले हम जीरो को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर कितना जीरो आपको दिख रहा, 1, 2, 3, कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो यहाँ पर आप 3 जीरो पहले लिख लेंगे, 1, 2, 3, 3 जीरो आप लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 7 का टेबल 4 तक पढ़ना है, 7 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 7 4 जा कितना होता है बच्चों, 28, 7 4 जा 28। तो पूरा हम 28 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम 8 लिखेंगे और 2 यहाँ कैरी हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 का टेबल से हम 4 तक पढ़ेंगे, तो 1 4 जा 4 और ये जो 2 कैरी था उसको प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ कॉमा दे देंगे तो हो गया 68,000। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 19 से मल्टीप्लाई करना है 800 को। यहाँ ध्यान से देखिए, ये 2 जीरो है बच्चों, यहाँ 2 जीरो है, इसमें हम पहले 2 जीरो लिख दिए। 8 का टेबल पढ़ना है 9 तक, 8 का टेबल आपको पढ़ना है 9 तक, तो 8 9 जब कितना होता, 72 का 2 हम लिख देंगे और यहाँ 7 कैरी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इसके पहले वाला जो हम मल्टीप्लाई का वीडियो बनाए हैं 2 डिजिट का, उसमें आपको हम बता दिए कि आप कैसे जानेंगे किस नंबर को यहाँ पुट करना है और किस नंबर को आपको कैरी करना है, यानी राइट साइड्स में जैसे 72, यहाँ पर जो राइट साइड में 1 प्लेस में जो नंबर रहता है उसको यहाँ लिखने पड़ता है, और जो लेफ्ट साइड का नंबर जो होता है यानी टेंस में जो रहता है उसको हम कैरी करते हैं, तो यहाँ कैरी कर दिए। तो फिर अब करना क्या है, 8 का टेबल फिर 1 तक पढ़ना है, 8 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 8 1 जा 8 और उसमें क्या करेंगे, 7 को ऐड कर देंगे, तो 8 1 जा 8 और 8 और 7 को ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा 15, तो यहाँ हो जाएगा आपका 15,200। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखिए 40 को मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो यहाँ पर 2 जीरो है, हम पहले ही बता दिए जितना यहाँ पर जीरो रहेगा बच्चों उतना जीरो आप लिख लीजिएगा, तो यहाँ 2 जीरो है तो आप 2 जीरो लिख लीजिए। उसके बाद 5 का टेबल 4 तक पढ़ना है तो 5 4 जा 20, तो आप यहाँ लिख दिए 20, तो यहाँ कितना हो गया, 2000, आपका आंसर आया 2000। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर 4000 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, पहले जितने सारे जीरो है उसको आपको यहाँ लिख लेना है, कितना जीरो है, 1 2 3, तो 3 जीरो लिख लीजिए, 1 2 3, और 5 का टेबल आपको पढ़ना है कितना तक, 4 तक, 5 का टेबल 4 तक पढ़ना है तो 5 4 जा 20, आप यहाँ लिख दीजिए 20, तो हो जाएगा यहाँ पर 20,000। नेक्स्ट आप देखिए 30 को मल्टीप्लाई करना है 3000 से, सुनने से कितना बड़ा लग रहा लेकिन बच्चों आपको पूरा आसान कर दिए हम। अब इसमें आपको गिनने होगा, दोनों का जीरो को आपको गिन लेना है, टोटल कितना जीरो है, 1 2 3 4, टोटल जीरो आपका है 4, तो आप यहाँ पर 4 जीरो लिख दीजिए, 1 2 3 4, 4 जीरो आप लिख लेते हैं। आप क्या करना है, आपको 3 का टेबल 3 तक पढ़ना है, 3 3 जा 9, तो आप यहाँ लिख दिए 9 और यहाँ पर कॉमा लगा दिए तो कितना हो गया, 90,000। तो बच्चों आपको ये आसान तरीका का हम मल्टीप्लाई सिखा दिए हैं, और इसमें सबसे आसान है कि आपको केवल 9 तक ही टेबल को लर्न करना है। तो बच्चों अगर आपको मेरा इस इजी तरीका का वीडियो पसंद है तो आप इसमें लाइक कीजिए
और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी सीख सके, और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।